साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आज इस सूत्र का नाम है परिवीमंसन सूत्र। क्या नाम है इसका? परिवीमंसन सूत्र। हम लोग जानते हैं जो कोई भगवान बुद्ध की शासन में आते हैं उन लोग के पास बन जाता है पांच इंद्रिय। वो पांच इंद्रिय क्या है? श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। ये इंद्रिय धर्म लेकर के श्रद्धा मन से पाप को मिटाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, वीर्य करके हमेशा ध्यान में रहकर, समाधि मन से प्रज्ञा को बढ़ाकर आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए मदद मिलता है। हम लोग इतना दीर्घ संसार में भटकते भटकते आए हैं, ये और कोई करता नहीं है, अपने आप भी नहीं होता है। यहां कुछ कारण से ही ऐसा जन्म जन्म में जाना होता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, हम लोग अपना मां से इस संसार में जो पिए हुए दूध को जमा किए तो महासमुद्र का पानी से ज्यादा दूध जमा हो जाएगा। उतना ही हम लोग दूध पिए हैं। ये संसार बहुत ही खतरनाक है। दुख सहन करके पछताते पछताते जाने का रास्ता है ये संसार। अगर ये संसार सुख है तो, सुखदायक है तो इस संसार में भगवान बुद्ध की जन्म कभी नहीं होता है। भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए होता है कि इस संसार में रहने वाले लोगों को सारे दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता बताना है। उसके लिए भगवान बुद्ध की जन्म होता है। भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए होता है सारे लोगों दुख से मुक्त कराने के लिए। तो भगवान बुद्ध इस संसार में जन्म लेकर के बताते हैं द्वारा जन्म लेने के लिए नहीं, अगर कोई जो व्यक्ति नरक में नहीं जाएंगे तो जानवर जन्म भी नहीं पाएंगे, तो भूत प्रेतों का जन्म भी नहीं पाएंगे, तो ऐसा दुर्गति जन्म नहीं पाएंगे, तो ऐसा शरण, ऐसा सुरक्षित शरण तथागत भगवान बुद्ध के शिष्यों से अलावा और किसी के पास नहीं है।
दुर्गति से मुक्त होने का रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने बताया श्रद्धानुसारी के बारे में, सब्बेते सग परायना, जो श्रद्धानुसारी हैं वो सारे लोग स्वर्ग में चल जाते हैं। इसका मतलब श्रद्धानुसारी लोगों को स्वर्ग का जन्म होता है, लेकिन उसमें बताया नहीं हमेशा के लिए दुर्गति से मुक्त हो गया है, ऐसा तथागत ने नहीं बताया। चार अपाय से, यानी कि नरक, जानवर जन्म, भूत प्रेतों का जन्म, असुर का जन्म, ये चार दुर्गति का जन्म से संपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए तो श्रोतापन्न होना पड़ेगा। ऐसे है तो हम लोगों को श्रद्धानुसारी होने से कोई सुरक्षित होता है। क्या है वो सुरक्षा, क्या है वो शरण? अगर श्रद्धानुसारी व्यक्ति अचानक मर गया तो वो खराब जगह में नहीं जाता है, जिस जगह पे जाता है कि उस जगह जा करके धर्म प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम लोग श्रद्धानुसारी होने के लिए सोचना जरूरत नहीं है। हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए श्रद्धानुसारी नहीं, इसके बाद धम्मानुसारी। धम्मानुसारी मतलब तथागत भगवान बुद्ध की आर्य धर्म में आ जाना। वो धम्मानुसारी होना भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सोतापन्न होना। जो सोतापन्न होता है वो सात जन्म के अंदर जरूर सारे दुख से मुक्त होते हैं। सोतापन्न होने वाला भी सोचना चाहिए सकदागामी होने के लिए। सकदागामी मतलब और आगे तक ज्ञान की रास्ता पे जाने के कारण वो एक बार सिर्फ मनुष्य लोक में आता है, तुरंत इसके बाद मुक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद अनागामी होने के लिए कोशिश करना चाहिए। अनागामी मतलब वापस मनुष्य लोक में कभी नहीं आता है, ब्रह्म लोक में रह के वहां उत्तम अरहत्व यानी कि दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और मेहनत करना चाहिए उत्तम अरहत्व को प्राप्त करने के लिए, सारे दुख से प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। भगवान बुद्ध एक दिन बताए हैं भगवान बुद्ध जी से एक दिन पूछे हैं एक भंते जी, भगवान बुद्ध जी एक कल्प को कितना साल होता है? भगवान बुद्ध ने बताया भिक्षु कल्प साल से नहीं कह सकता है, जैसे कि 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल ऐसा करके कभी नहीं कह सकता है। इसके बाद पूछे ऐसे है तो तथागत एक उदाहरण बता सकते हैं क्या? इसके बाद बता ठीक है उदाहरण तो दे सकता है। सुनिए ये गंगा नदी शुरुआत होता है वहां से लेकर के जहां समुद्र तक, गंगा नदी समुद्र में गिरता है वहां तक, ये लंबी गंगा नदी का सारे बालू ऊपर से नीचे तक सारे बालू गिनने के लिए कितना समय लगेगा? उससे भी ज्यादा समय लगता है एक कल्प खत्म होने के लिए, उससे भी ज्यादा। ऐसे है तो एक कल्प का समय
करोड़ों साल से खत्म नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए, हम लोग कल्प कल्प लाखों कल्प इस संसार में आए हैं, अभी तक जा रहा है, अभी तक हम लोगों का जन्म मृत्यु खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों को ये आर्य ज्ञान को समझने के लिए हम लोगों को चाहता है मनन करना, ज्ञान से मनन करना, इसको कहता है योनिसो मनसिकार, बुद्धि से मनन करना जरूरत है। अगर हम लोग बुद्धि से मनन करेंगे तो समझ सकता है। जिसके पास बुद्धि से मनन करने का शक्ति नहीं है उसको अंगुल से हूर हूर के बताएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये धर्म जो बुद्धिमान लोग सुनते हैं वे लोगों को अच्छा तरह से पकड़ सकता है। भगवान बुद्ध की ये उपदेश का नाम क्या है? परिवीमंसन सूत्र। ये संयुक्त निकाय में है। उस समय भगवान बुद्ध थे श्रावस्ती में, अजेतवन आश्रम में। तो उस दिन भगवान बुद्ध से जो उपदेश सुनने के लिए आए हुए उन बांते लोगों से तथागत भगवान बुद्ध ने पूछा, भिक्षुओं आप लोग परिवीमंसन करते हैं क्या? परिवीमंसन करता है मतलब अच्छी तरह से ज्ञान से मनन करना, ज्ञान से मनन करना इस जन्म के बारे में। इसके बाद पूछा किस कारण के बारे में ज्ञान से मनन करना चाहिए? अच्छी तरह से ये सारे दुख जिस प्रकार से खत्म होता है उसी प्रकार से ज्ञान से मनन करना चाहिए। ये तृष्णा को नष्ट होने के लिए, अविद्या को नष्ट होने के लिए, पटिच समुपाद को नष्ट होने के लिए, जाति जरा मृत्यु अफसोस चिंता दुख ये सब कुछ खत्म होने के लिए ज्ञान से मनन कैसे कर सकता है? ऐसे भगवान बुद्ध ने पूछा। तो बंते लोगों ने बताया, भगवान मूल का नो भंते धम्मा, तथागत भगवान बुद्ध जी आप हमारा ये धर्म आप कही है, इसलिए आपको ये सब कुछ समझ में आएंगे, आप कुछ बताएंगे तो हम लोग याद रखेंगे, कृपा करके बता दीजिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसे बुद्धि से ज्ञान से मनन करना चाहिए वो बता दिए हैं। भगवान बुद्ध की ये सुंदर रास्ता पे छुपे हुए नुका हुआ कुछ भी नहीं है, सारी चीज खुला हुआ है। किसी को नुका नुका के मंत्र बोल के इधर कुछ भगवान बुद्ध बताते नहीं हैं। पूरे देव मानव सारे लोगों का कल्याण के लिए सब कुछ अच्छी तरह से बताते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की धर्म बहुत पवित्र है, इसलिए उनका धर्म उदाहरण बना दिया सूर्य को, चंद्रमा को, क्योंकि बादल से मुक्त होने के बाद, बादल से हटने के बाद सूर्य चमकता है, चंद्र पूर्णिमा के दिन चंद्र चमकता है बादल हटने के बाद, वही सही है। तथागत भगवान बुद्ध की उत्तम आर्य धर्म खुलने के बाद, हर जगह फैलने के बाद अच्छी तरह से चमकता है,
बाकी धर्म ऐसा नहीं। अगर ये सूर्य चांद दोनों ढप गया तो बादल से धुआं से बारिश से ढप गया तो चमकता नहीं है। वैसे ही भगवान बुद्ध की धर्म कई प्रकार की दृष्टि इत्यादि लेकर के सिर्फ भगवान बुद्ध को पूजा करते करते रह गया तो उनका धर्म बातचीत नहीं किए तो धीरे धीरे उनका धर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी बताने जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति करने का रास्ता। भगवान बुद्ध बंते लोग को बताया तो सुनिए, अभी हम अच्छी तरह से आपको बता देंगे। इसी प्रकार से ज्ञान से मनन करना चाहिए, कई प्रकार की दुख कष्ट पीड़ा जरा मृत्यु इस संसार में होते रहता है, सभी लोग जानते हैं। कभी कभी भूकंपन होता है, हजारों लोग मर जाता है, समुद्र पानी आता है, हजारों लोग मर जाता है, तूफान आता है, आंधी आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, बाढ़ आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, बीमार आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, बारिश नहीं होता है, अकाल पड़ता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कभी कभी युद्ध आता है, युद्ध से बहुत सारे लोग मर जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत दुख कष्ट पीड़ा आता है, ठंडा से मर जाते हैं, गर्मी से मर जाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के कई कई प्रकार के दुख पीड़ा कष्ट तकलीफ भोगते भोगते रहना पड़ता है, तो वो ज्ञान से मनन करना चाहिए उसी जगह से। ये जरा मृत्यु दुख है, कई प्रकार के बीमार पीड़ा होता है, ये जरा मरण दुख जरा मृत्यु का दुख दुनिया में कहां से उत्पन्न होता है सोचना चाहिए। क्या होने के कारण ये दुख उत्पन्न होता है, मतलब दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है, दुख पीड़ा कष्ट तकलीफ ये सब हम लोग का दिक्कत भी वही है। हम लोग बूढ़ा होते हैं, सारे लोग रोग पीड़ा बीमार में फंस जाते हैं, कई प्रकार के कष्ट पीड़ा दुख तकलीफ में फंस जाते हैं, कई प्रकार की सारी शरीर का पीड़ा आता है, कई प्रकार की मन की दुख पीड़ा आता है, कई प्रकार की कष्ट में फंस जाते हैं। तथागत ने बताया सोचने के लिए ये जरा मृत्यु के बारे में कैसे सोचना चाहिए, ये दुख कहां से उत्पन्न होता है, ये दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा समझ गया तो जान सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा खोज के बताने सोचने के लिए खोजना चाहे खोजने के लिए बताया है, लेकिन दूसरे लोग बाकी लोग हर एक धर्म में बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मिथ्या धर्म। मिथ्या धर्म क्या है, ये सब कैसे दुख उत्पन्न हुआ, ये कष्ट पीड़ा कहाँ से आया, लोग कहते हैं क्या करे ऊपर वाला का इच्छा है, बिना ऊपर वाला का इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, या लोग कहता है ऐसे ऊपर वाला ने हम लोग को दिया है, भगवान ने सब करने वाला है, ऐसे करके सभी लोग मिथ्या
विश्वास में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध की धर्म बुद्धि का द्वार है, बुद्धि को खोलने वाले बुद्धि द्वार है, ज्ञान की द्वार है। अपना जितना ज्ञान है, बुद्धि है, उतना ही शक्ति लेकर के ये संसार का सत्य समझ सकता है अच्छी तरह से। तो भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे सोचने से ये सारे दुख होने का कारण क्या है, ऐसे सोचने समझ में आता है ये दुख का कारण है जन्म। जन्म लेने के कारण ही ये दुख, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, शारीरिक दुख, मन का दुख, शरीर का पीड़ा, मन की पीड़ा, शरीर का दर्द, मन का दर्द, ये सब कुछ दुख पीड़ा उत्पन्न होता है जन्म लेने के कारण। ये नहीं जानने के कारण लोग बोलते हैं, हे भगवान हमको ऐसा जन्म कभी भी मत दो, ऐसा कोई भी जन्म में हमको कष्ट पीड़ा तकलीफ न मत दो, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। अरे हम अगले जन्म जन्म में बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग आशा करते हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं मरना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग पीड़ा में है, ये नहीं जानने के कारण, दुख का कारण नहीं जानता है। ये नहीं जानने के कारण ही खुदकुशी करते हैं, मर जाते हैं लोग, जहर खाते हैं, फांसी लगाते हैं, नदी में कूदता है, मर जाते हैं बहुत सारे लोग। किस क्यों? क्योंकि कोई जानते नहीं है ये सारे दुख का कारण क्या है। कोई कोई लोग जन्म लेता है कई प्रकार से, कोई कोई लोग अंडा में जन्म पाते हैं, कोई कोई लोग माँ का पेट में जन्म होता है, किसी का जन्म होता है बिगा हुआ पर्यावरण में, किसी का जन्म औपपातिक होता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये दीर्घ संसार में आप गाय बन के जन्म, गाय होते हुए जन्म लिया, उसी जन्म में आपका गला काटने के बाद गला से बह गया खून जमा किया तो वो खून ज्यादा होता है समुद्र का पानी से ज्यादा, उतना ही जन्म जन्म में हम लोग गाय बन गए। बकरी बनने के बाद बकरी का गला काटने से गला से जो बहते हैं वो खून जमा किया तो समुद्र का पानी से ज्यादा खून जमा होता है, उतना ही जन्म में हम लोग बकरी बन गए। वैसा ही सूअर बन गए, वैसा ही मुर्गा बन गए, उसी वैसे ही है चोर गुंडा लोगों से हम लोग मारपीट खाने से हम लोग का शरीर से जो बह गया खून जमा किया तो समुद्र का पानी से ज्यादा खून जमा होता है। अब उनको जरा मरण के बारे में कुछ जानकारी है, जरा मृत्यु किस कारण से बन जाता है और जरा मृत्यु का कारण क्या है वो जान जाता है। तो ये जरा मृत्यु का कारण क्या है, ये चार प्रकार की जन्म जरा मृत्यु का कारण है। पहला जन्म है अंडज जन्म, अंडज मतलब अंडा में जन्म लेता है मुर्गा चिड़िया जैसा। दूसरा जन्म है जलाभुज, जलाभुज मतलब पेट में जन्म होता है माँ की पेट में, मानव की माँ के पेट में या जानवर का माँ के पेट में, सब पेट में जन्म होता है जलाभुज। तीसरे प्रकार का जन्म है संसेदज, जहाँ बिगा हुआ पर्यावरण है,
गला हुआ, सड़ा हुआ चीज है, मांस चाहे पल चाहे कुछ भी सड़ल गड़ल चीज में जो प्राणी उत्पन्न होता है वो संसेदज। चौथी प्रकार है औपपातिक। औपपातिक मतलब कर्म के अनुसार उसी प्रकार से जन्म मिलता है, देवताओं की जन्म, ब्रह्म की जन्म, या भूत प्रेतों का जन्म, असुर का जन्म, ऐसे होता है। जैसे कि टीवी ऑन करने के बाद पिक्चर दिखाई देता है, वैसा इधर मरने के बाद सीधा वहाँ जाता है। वहाँ बचपना नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। जब तक कर्म रहेगा तब तक पछता के रहना पड़ता है, कर्म खत्म होने तक। ये चार प्रकार की जन्म है जरा मृत्यु का कारण। ये चार प्रकार की जन्म खत्म हो गया तो हम लोग मुक्त। ये चार प्रकार की जन्म खत्म हो के जरा मृत्यु कब तक नष्ट हो जाएगा? जब आर्य अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण करेगा उसी दिन ये सब खत्म। ऐसे है तो ये जरा मृत्यु नष्ट होने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। देखिए कुछ भी है तो अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए तो उसका रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अच्छी तरह समझ में नहीं आ गया तो आप लोग दूसरे लोगों का उपदेश में फंस के गलत रास्ता पे जा करके सभी लोग का रास्ता बिगड़ सकता है। इसलिए आप लोग मेहनत करना चाहिए। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया, क्योंकि उन्होंने ये सारे दुख से मुक्त प्राप्त किए हैं। ऐसे है तो उनका उपदेश से हमें भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन्होंने बताए हैं इसी प्रकार से सोचने वाला सारे दुखों खत्म करने के लिए, जरा मृत्यु को नष्ट करने के लिए मार्ग में आ जाता है। आपको याद है हम शुरू में बताए हैं ये रास्ता पकड़ लेता है सिर्फ बुद्धिमान, बाकी लोगों को सोचना भी नामुमकिन है, मुश्किल है। जिसी प्रकार ज्ञान से मनन करता है उसी प्रकार ये धर्म पकड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने उनको बताया और आगे सोचने के लिए कैसे ये जन्म कैसे हुआ है, जन्म का कारण क्या है, जन्म का मूल क्या है, ये जन्म होने का कारण क्या है, क्या होने के कारण ये जन्म हुआ है, ऐसे देखने से, ऐसे ज्ञान से मनन करने से उनको ये समझ में आता है ये जन्म का मूल भाव है। इसका मतलब अंडज, जलाबुज, संसेदज, उपपातिक, ये चार प्रकार की जन्म होता है भव के कारण। भव के कारण ही ये चार प्रकार की जन्म होता है। देखिए इस धरती पर रहने वाले भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाने वाले लोगों को सिर्फ ये सब कुछ समझ में आता है, बाकी किसी को नहीं। बाकी लोग कहेगा ये सब कुछ भगवान ने बना दिया, ईश्वर ने बना दिया, ऊपर वाला ने बना दिया, लेकिन ये सब कुछ का मालिक क्या है? भव। भव ने हम लोग जन्म जन्म में ले जाता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया, क्या होने के कारण ये जन्म होता है, तो समझ में आता है अगर भव नहीं है तो अंडज जन्म भी नहीं, जलाबुज जन्म भी नहीं, संसेदज जन्म भी नहीं, उपपातिक जन्म भी नहीं।
तो वो जरा मृत्यु से मुक्त। अब ऐसे हैं तो ये भव वो जानता है, भगवान बुद्ध ये जन्म कैसे समझाया, जाति जाति मतलब जन्म, संजाति संजाति मतलब कोई भी चीज का जन्म, ओक्कांति मतलब माँ का पेट में पेट का जन्म, अभिनिबंति विशेष का जन्म, खंधानम पातु भाव रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान ये पंच उपादान स्कंद का प्राप्ति, आयतनानम पटिलाभो आँख नाक जीभ शरीर मन ये छह इंद्रिया का प्राप्ति। ये है जन्म, ये जन्म किस कारण से होता है, भव के कारण ऐसा जन्म होता है। भव के बारे में भगवान बुद्ध अच्छी तरह से समझाया है, उन्होंने बताया भव के कारण जन्म होता है, भव नहीं है तो जन्म नहीं है। भावे सति जाति होती, भाव होने के कारण जाति हो जन्म होता है, भावे असति जाति न होती, अगर भव नहीं है तो जन्म नहीं है। तो ये जन्म के बारे में भी जानता है, जन्म होने का कारण भी जानता है, जन्म निरुद्ध होने का कारण भी जानता है, जन्म नष्ट होने का रास्ता भी जानता है। जन्म नष्ट होने का रास्ता क्या है, आरष्टांगिक मार्ग। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ज्ञान से मनन करने के लिए क्या है, भव के बारे में। भव मतलब क्या है, फल मिलने के लिए कर्म तैयार होना भव है, फल मिलने के लिए कर्म तैयार होना भव होता है। तीन प्रकार की भव है, वो क्या है, काम भव, रूप भव, अरूप भव। तो काम लोक में जन्म लेने के लिए कर्म तैयार हो गया तो वो काम भव में जन्म लेता है, काम भाव मतलब मनुष्य जन्म, जानवरों का जन्म, भूत प्रेतों का जन्म, नरक का जन्म, ये सब काम भाव है। रूप भाव का जन्म होने के लिए जो कर्म तैयार करता है वो रूप भाव में जन्म पाता है, रूप भाव मतलब रूपावचर ब्रह्म लोक। इसके बाद वो अरूप भाव का जन्म के लिए कर्म तैयार किया तो वो अरूपावचर लोक में उत्पन्न होता है, अरूपावचर ब्रह्म लोक में। ऐसे है तो ये जन्म जन्म में जाने का रास्ता भव ने बना देता है। ऐसा है तो भव मतलब क्या है, फल मिलने के लिए कर्म तैयार हो जाना भव है। कर्म तैयार होने के बाद वो सोच समझकर जन्म जन्म में जाता नहीं है, वो जो किया उसी के अनुसार होता है। अगर ये बदलना चाहिए तो मरने के पहले आप कोशिश किए तो बदल सकता है, मरने के बाद नहीं। इसके बाद ये सोचते हैं, ये ज्ञान से मनन करते हैं, ये भाव किस कारण से उत्पन्न होता है, ये भाव का मूल क्या है, ये भाव का भाव होने का कारण क्या है, किस कारण से भाव होता है। क्या होने के कारण भव होता है, क्या नहीं होने के कारण भव नहीं होता है,
ऐसा ज्ञान से मनन करने से समझ में आता है। ये भाव के लिए कर्म तैयार होता है उपादान के कारण, बंधन के कारण, बंधन हो जाने के कारण भाव के लिए कर्म तैयार कर देता है। भाव का कारण है उपादान, उपादान मतलब बंधन, बंधन मूल करके भाव उत्पन्न होता है। ये उपादान मतलब बंधन है तो भाव है, ये उपादान बंधन नहीं है तो भाव भी नहीं है। ऐसा ज्ञान से मनन करने से समझ में आता है। भगवान बुद्ध जो बताए उसी के अनुसार ही हम लोग मनन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गलत पकड़ सकते हैं। अब ये उपादान कितना होता है, उपादान मतलब बंधन, ये बंधन उपादान कितना होता है? चार प्रकार के उपादान होता है, वो क्या है? काम उपादान पहला, दूसरा दिट्ठि उपादान, तीसरा शीलव्रत उपादान, चौथा अर्थवाद उपादान। काम उपादान मतलब क्या है? पांच प्रकार की कारण में मन फंस जाना, वो पांच क्या है? आंख से देखने वाले रूप पर, कान से सुनने वाले शब्द पर, नाक से सूंघने वाले गंध पर, जीभ से स्वाद लेने वाले रस पर, शरीर से स्पर्श लेने वाले स्पर्श पर मन को बंधन हो जाता है। इसी को कहता है काम भव। आदमी लोग इसमें बंधन होकर कर्म करता है तो कर्म तैयार हो जाता है। अच्छे से देखिए, आप भी इसी पांच में बंधन हो गया, रूप शब्द गंध रस स्पर्श, इसीलिए इसको कहता है काम उपादान। कई प्रकार की मतवाद लेकर के उसमें बंधन हो जाता है, कई प्रकार की दृष्टि में बंधन हो जाता है, कई प्रकार के विचार में बंधन हो जाता है, बंधन होते होते जाते रहता है। अपना विचार पे, दूसरों का विचार पे, कई प्रकार की बंधन पे, कई प्रकार की विचार पे बंधन हो जाता है, वो दिट्ठि उपादान, दृष्टि में बंधन हो जाता है, मिथ्या दृष्टि में बंधन हो जाता है। और ये मन का प्रभाव, मन का स्वभाव है, जो पाता उसमें बंधन हो जाता है, कई प्रकार के व्रत में बंधन हो जाता है। ये व्रत सुरक्षा किया तो हम लोगों का कल्याण होता है, ये व्रत से हम लोग मुक्त होता है दुख से, ऐसे करके व्रत में बंधन हो जाता है, वो क्या है? शीलब्बत उपादान। इसके बाद चौथी वाला उपादान है बंधन है अर्थवाद, वो क्या है? मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, ऐसे करके अपने से अपने को बंधन हो जाता है। आप देखिए, ये जानवर अजगर सांप नाग ये लोग बात करता नहीं है, लेकिन इन लोग के पास में भी उपादान बंधन है। उन लोग कभी बोलता नहीं मेरा है, मैं मेरा आत्मा है, लेकिन उन लोग अपने को बंधन हो गया है। आप देखिए, मछली बात नहीं करता है, इसका मतलब उन लोगों के पास बंधन नहीं है। चार प्रकार के बंधन उन लोगों के पास में भी है, इसीलिए मैं शब्द भाषा से हटा दिया था, भी मैं का विचार है मन में, मैं मेरा मेरा आत्मा, इसी बंधन इसी विचार पे बंधन हो जाता है। तो वो ज्ञान से मनन करते हैं, करता है। ये उपादान किस कारण से उत्पन्न हुआ है, उपादान उत्पन्न होने का कारण क्या है, उपादान का मूल क्या है, ऐसे ज्ञान से मनन करने से समझ में आता है ये बंधन तृष्णा के कारण हुआ है। तृष्णा मूल करके ये बंधन हुआ है।
जो इच्छा इच्छा कारण है, जो मन आसक्त होने का कारण है, उसी पे मन जाने के कारण ये बंधन हुआ है। इसी प्रकार से वो उपादान देखता है, ये इच्छा तृष्णा आसक्त जब नष्ट होता है तब बंधन नष्ट हो जाता है, वो मुक्त। ये उपादान नष्ट होने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ऐसे नहीं है तो ऐसे है तो जन्म नष्ट होने के लिए भव नष्ट होना चाहिए, भव नष्ट होने के लिए उपादान नष्ट होना चाहिए, उपादान नष्ट होना नष्ट होने के लिए इच्छा मतलब तृष्णा नष्ट होना होना पड़ेगा। ये सब कुछ नष्ट होने के लिए एक ही रास्ता है प्रयास करने का, वो रास्ता का नाम क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ के रहना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये प्राप्त करता है, जान लेता है तृष्णा के कारण उपादान होता है, उपादान यही है। अगर तृष्णा खत्म हो गया तो उपादान भी खत्म होता है। जहां तृष्णा है वहां उपादान है, जहां तृष्णा नहीं है वहां उपादान नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान से मनन करने के लिए बताया। ऐसे सोचने वाले बुद्धिमान व्यक्ति आर्य रास्ता पे आता है, वो सारे दुख से मुक्त होता है। इसके बाद और आगे ज्ञान से मनन करके देखता है ये तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तृष्णा मतलब इच्छा, मन मन जो आसक्त होता है, मन सट जाता है, वैसा प्रकार को कहता है तृष्णा। अब देखिए शरीर सट गया तो जल्दी पकड़ सकता है, हाँ शरीर सट गया, लेकिन मन रूप शब्द गंध रस स्पर्श इसी कई चीजों पे मन सट जाता है, ये हम लोग को जल्दी नहीं पकड़ सकता है, ये हम लोग ज्ञान से मनन करके करके समझना पड़ता है। हम लोगों को ये शरीर दीवार में सटा के रख सकता है, तो हटने के लिए बताया तो खत्म हट सकता है। मन ऐसा नहीं है, इच्छा ऐसा नहीं है। ये मन क्या करता है, मन और शरीर दोनों खींच के ले जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये इच्छा तृष्णा विषत्तिका जैसा है, लाती जैसा है। ये लाती क्या है? सारिता। विषत्तिका मतलब ये लाती जैसा है। और भगवान बुद्ध ने बताया ये तृष्णा इच्छा सारिता, सारिता मतलब ऐसे ही बहते जाता जैसा है। ये तृष्णा भगवान बुद्ध कई शब्द से समझाया। तीन प्रकार के तृष्णा होता है, पहला काम तृष्णा, दूसरा भव तृष्णा, तीसरा विभव तृष्णा। भव तृष्णा विभव तृष्णा हम सभी लोगों के पास है, लेकिन रूप शब्द गंध रस स्पर्श इस पांच चीज पर हम लोग हमेशा लगाव रहता है। इसीलिए हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है काम तृष्णा। काम तृष्णा मतलब रूप पर, शब्द पर, गंध पर, रस पर, स्पर्श पर हम लोग सटना, आसक्त होना। ये हम लोग का भी काम तृष्णा नष्ट करके अनागामी हो गया तो हम लोग पहचान सकता है भव तृष्णा तथा विभव तृष्णा दोनों। वो भव तृष्णा विभव तृष्णा
समझ में नहीं, जल्दी समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार के हम लोग मन बना हुआ है। तो ये तृष्णा का मूल क्या है, किस कारण से ये तृष्णा उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञान से मनन करना चाहिए। ज्ञान से मनन करने से समझ में आता है ये तृष्णा वेदना के कारण, दर्द के कारण होता है। वेदना ही तृष्णा का कारण है, मूल है। अब देखिए, हम लोगों कभी जो जो नहीं खाया है वैसा चीज हमारा दोस्त ने हम लोग को ला के दिया, देख बताए थोड़ा, देखो इसका टेस्ट कैसा है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें अंगुली लगा के जीभ में डाल देता है। जीभ में लगा के क्या करता है, अच्छा से जीभ साटा साटा के हम लोग आवाज निकाल निकाल के उसका टेस्ट लेता है। इसके बाद हम लोग पूछता है, तुम कहां से लेके आया, कहां से मिला, बहुत अच्छा है यार, ये सब लोग करता है कि नहीं करता है। देखा है वेदना। अब देखिए हम लोगों को कुछ ला के दे दिया, अगर हम लोग उसका महसूस नहीं किया तो हम लोग जानते हैं क्या, नहीं जानता है, हम लोग को जरूरी भी नहीं है। अगर हम लोग कहीं गया तो कुछ मीठा कुछ लेने के लिए, दुकानदार सबसे पहले हम लोग को फल कुछ लेना है तो थोड़ा देता है खाने के लिए, अंगूर सेब आम कुछ लेने गया तो थोड़ा देता है खा के। देखिए खाने के बाद महसूस आता है, वेदना आता है, वेदना पच्या तन्हा, दर्द आ गया, तन्हा इच्छा आ गया, इच्छा आने में वेदना दर्द आने का तुरंत इच्छा हो गया, आसक्त हो गया, तो वो वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होता है। अगर वह टेस्ट कारण नहीं मिला तो दूसरा जगह जाता है, दूसरा जगह से लेता है। अब देखिए हम लोग ले लिया, सोचिए हम लोग बैठने के लिए एक थकिया लिया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैठ के देखते हैं, बैठ के इधर उधर होते हुए देखते हैं। अगर हम लोगों को ये बैठने से कोई खुशी मिलेगा तो उसी में हम लोग का मन आसक्त होता है, उधार से भी मुश्किल से वो लेता है, कैसे तो करके लेना पड़ता लेता है। अगर पैसा नहीं है तो चिंता करके रहता है, कैसे तो करके वो लेने के लिए कोशिश करता है, क्यों हम लोग ये उसमें सट गया, क्यों आसक्त हो गया, वेदना के कारण बैठ गया, वेदना सुख का वेदना दर्द आ गया, इसके बाद आसक्त हो गया। अगर हम लोग होश में नहीं है तो हम लोगों का ऐसा प्रकार हम लोग का जीवन में है, कभी नहीं पकड़ पाएगा। ज्ञान से मनन करने से ही समझ में आता है ये तृष्णा वेदना ये सब के बारे में। एक दिन सारिपुत्र बंते जी ने बताया, बिंगा हुआ चीज भी कोई बात नहीं, कोई भी सूखा हुआ चीज भी अगर भोजन के लिए मिला तो वो बहुत है, भूख नष्ट करने के लिए कुछ भी मिल गया तब भी ठीक है, ऐसा संतुष्टि कैसे हो सकता है। वो ये जो पाटिच्च समुपाद अच्छी तरह से समझने के बाद, ज्ञान से मनन करने के बाद वो सारी चीज से मुक्त होता है, संतुष्टि होता है। वो अरहंत सारिपुत्र बंते जी अपना कुटिया के बारे में सोचता है, कैसे सोचते थे, मुझे ये कुटिया से मेरा घुटनी
झुक गया तो बस, मेरा शरीर नहीं बिक गया तो वो कुटिया मेरे लिए बहुत है। कोई तृष्णा उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि तृष्णा नहीं होने का कारण वेदना नहीं है। कोई सुख दुख उपेक्षा का वेदना उन लोगों के पास नहीं है। वेदना नहीं है तो तृष्णा भी नहीं है। ये तृष्णा नष्ट होने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। वो ज्ञान से मनन करने के लिए आदत आने के बाद ये धर्म को देखता है। इसके बाद ये वेदना, वेदना छह प्रकार की होता है। आँख का स्पर्श के कारण वेदना होता है। वेदना मतलब दर्द महसूस। आँख का स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, पहला वेदना। कान का स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, दूसरा वेदना। नाक का स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, तीसरा वेदना। जीभ का स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, चौथा वेदना। शरीर का स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, वो पंचमा वेदना। इसके बाद मन के स्पर्श के कारण दर्द महसूस होता है, वो छठा वेदना। ऐसे दर्द महसूस होने के बाद, वेदना होने के बाद सुख भी भोगता है, दुख भी भोगता है। सुख दुख रहित बिना सुख दुख का उपेक्षा को भोगता है। तो ये वेदना का स्वभाव भगवान बुद्ध कैसे समझाया है, भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने बताया ये वेदना जो पानी गिरने के बाद पानी में जो बुलबुल आता है वैसा है, तुरंत बदल जाता है। बादल ऐसा नहीं है, बादल हमेशा दिखाई देता है बहुत देर तक, लेकिन जो बुलबुल पानी का बुलबुल है वो तुरंत बदल जाता है, तुरंत नष्ट होता है। वैसा है स्पर्श होने के बाद वेदना, वेदना मतलब दर्द महसूस, स्पर्श होने के बाद होता है, तुरंत स्पर्श बदलने के बाद वेदना बदलता है। तो ये वेदना किस कारण से होता है, वेदना हो, वेदना उत्पन्न होने का कारण है स्पर्श। आंख, रूप और विज्ञान, ये तीन का मिलन से वेदना उत्पन्न होता है। कान, शब्द और विज्ञान, ये तीन मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। गंध और नाक और विज्ञान, ये तीन मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। जीभ, रस और विज्ञान, ये तीन उत्पन्न मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है। शरीर, स्पर्श और विज्ञान, ये तीन उत्पन्न होने के कारण वेदना उत्पन्न होता है। मन, सोच और विज्ञान, ये तीन मिलने के बाद, स्पर्श होने के बाद विज्ञान होता है। मिलना मतलब स्पर्श। ऐसे हैं तो स्पर्श होने के कारण वेदना होता है। स्पर्श नष्ट हो गया तो वेदना नष्ट होता है। वेदना नष्ट होने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ऐसे है तो ये वेदना समझ सकता है। वेदना से मुक्त होने का रास्ता क्या बताए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद ये वेदना उत्पन्न होने का कारण क्या बताया, स्पर्श। स्पर्श के बारे में ज्ञान से मनन करता है। स्पर्श छह प्रकार का होता है, वो क्या है, आंख का स्पर्श, कान का स्पर्श, नाक का स्पर्श, जीभ का स्पर्श, शरीर का स्पर्श तथा मन का स्पर्श। भगवान बुद्ध ने बताया यह स्पर्श कैसे होता है, किस कारण से होता है। आंख, कान, नाक, जीभ,
शरीर मन ये छह इंद्रिया होने के कारण स्पर्श होता है। ये छह इंद्रिया नहीं है तो स्पर्श नहीं है। ये छह इंद्रिया नष्ट होने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जहां छह इंद्रिया है वहां स्पर्श है, अगर छह इंद्रिया नहीं है तो स्पर्श नहीं है। वैसा ज्ञान से मनन करने से उनका आर्य रास्ता बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ये सारे दुख संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसे है तो वो छह इंद्रिया के बारे में ज्ञान से मनन करता है। छह इंद्रिया जन्म लेने का कारण क्या है, छह इंद्रिया किस कारण से हुआ है, क्या मूल करके ये छह इंद्रिया हुआ है, यह छह इंद्रिया हुआ है नाम रूप के कारण। नाम रूप के कारण आंख हुआ है। सिर्फ चार महाधातु से नहीं, चार महाधातु मतलब पृथ्वी आपो तेजो वायु। पृथ्वी मतलब मिट्टी के साथ मिलने वाला घन तत्व। आपो मतलब पानी जैसा पिघलने वाला चीज, पानी जैसा चीज। तेजो मतलब गर्मी चीज, वायु मतलब हवा की चीज। ये चार चीज से सारे रूप बन गया, चाहे दीवार चाहे शरीर कुछ भी, पेड़ पौधा सब। लेकिन मरा हुआ शरीर में ये चार होता है, पृथ्वी आपो तेजो वायु। लेकिन जिंदा शरीर में ये चार से अलावा और है, नाम है। ये चार को क्या कहता है, रूप, और एक है नाम। ये नाम रूप दोनों मिलने के बाद छह इंद्रिया बन जाता है। नाम रूप के कारण कान बन जाता है, नाम रूप के कारण नाक बन जाता है, नाम रूप के कारण जीभ बन जाता है, नाम रूप के कारण शरीर बन जाता है, नाम रूप के कारण मन बन जाता है। अब देखिए लकड़ी से जो बनाए हुआ चीज, चीज में लकड़ी है, प्लास्टिक में जो बनाए है उसमें प्लास्टिक है, लोहा से बनाए हुआ चीज में लोहा है, नाम रूप से जो बनाए हुआ चीज में है नाम रूप है। ये अभी रूप आप जान गए, नाम मतलब क्या है, नाम है वेदना संज्ञा चेतना फस मनसिकार। वेदना मतलब दर्द महसूस, संज्ञा मतलब पहचान, चेतना मतलब विचार, फस मतलब स्पर्श, मनसिकार मतलब मनन करना। ये नाम है। सोचिए मरा हुआ शरीर एक है और जिंदा शरीर भी है। मरा हुआ शरीर को दिखाई आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, शरीर है, लेकिन दिखता नहीं है। कोई पहचान नहीं सकता, काट दिया तभी, मार दिया तभी कुछ नहीं दर्द महसूस होता है। लेकिन जिंदा शरीर में ये नाम होता है, नाम मतलब दर्द महसूस है, नाम मतलब पहचान है, नाम मतलब सोच विचार है, नाम मतलब स्पर्श होता है, नाम मतलब मनन करता है। ये नाम रूप में घुस गया तो रूप मतलब पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये चार चीज बना हुआ चीज में ये नाम घुस गया तो काम करता है। ये नाम नाम रूप के कारण ही होता है।
ऐसा है तो नाम मतलब क्या है? वेदना, संज्ञा, वेदना मतलब दर्द महसूस, संज्ञा मतलब पहचान, इसके बाद चेतना मतलब सोच विचार, फस मतलब स्पर्श, मनसिकार मतलब मनन करना, ये पांच नाम है। रूप मतलब चार महाधातु पृथ्वी आप तेजोमायु। इसके बाद ये विज्ञान नाम रूप के कारण होता है, लेकिन नाम रूप का नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया जहां नाम रूप है वहां च इंद्रिया है, नाम रूप नष्ट हो गया तो च इंद्रिया नहीं है। ऐसे है तो ये च इंद्रिया नष्ट होने का रास्ता है आरेष्टांगिक मार्ग, ऐसा वो साफ समझ लेता है सत्य को, सत्य समझ लेता है साफ। इसके बाद वो देखता है ये नाम रूप का कार्य के बारे में, ये नाम रूप का मूल क्या है, नाम रूप का कारण क्या है, ऐसा करके यो जान लेता है। विज्ञान है विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है, आंख का विज्ञान उत्पन्न होता है, कान का विज्ञान उत्पन्न होता है, नाक का विज्ञान उत्पन्न होता है, जीभ का विज्ञान उत्पन्न होता है, शरीर का विज्ञान उत्पन्न होता है, मन का विज्ञान उत्पन्न होता है। जहां विज्ञान उत्पन्न हुआ वहां स्पर्श होता है, विज्ञान नष्ट हुआ तो नाम रूप नष्ट होता है। ऐसे है तो विज्ञान है तो नाम रूप है, विज्ञान नहीं है तो नाम रूप नहीं है। नाम रूप नष्ट होने का रास्ता आरेष्टांगिक मार्ग है, और ये और आगे मनन करता है ज्ञान से विज्ञान क्या है। संस्कार के कारण, संस्कार हेतु के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, संस्कार निरुद्ध, संस्कार नष्ट होने के कारण विज्ञान नष्ट होता है, संस्कार नष्ट होने का रास्ता है आरिष्टांगिक मार्ग। ये उपदेश में संस्कार दो प्रकार से बताता है, वो है अविद्या के कारण संस्कार है, आश्वास जो सांस लेता है छोड़ देता है ये शरीर के साथ मिला हुआ काय संस्कार, जो सोच विचार है, वितक विचार है, वो वाची संस्कार वाणी के साथ मिला हुआ है, और पहचान वेदना है, संज्ञा वेदना है, वो मन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो चित्त संस्कार है। ये सारी चीज के साथ लोग अविद्या में है। अरहंत बनते लोग, जो ये सब अविद्या से मुक्त हो गया वो अरहंत बनते लोग, सांस लेता है छोड़ देता है, लेकिन उन लोग के पास अविद्या नहीं है, उन लोग भी वितक विचार करते हैं लेकिन अविद्या नहीं है, उन लोग के पास भी संज्ञा वेदना पहचान वेदना दर्द है लेकिन अविद्या नहीं है। इसीलिए अरहंत बनते लोगों को अविद्या सहित विज्ञान नहीं है, इसीलिए अरहंत बनते लोगों को फटिच समुपाद नहीं है, अविद्या नष्ट हुआ है। भगवान बुद्ध ने बताया और एक संस्कार है, वो अविद्या से ही संस्कार होता है, इसमें बताया अविज्ञागतो यम भिक्खवे पुरुष पुग्गलो पुण्यांचे संखारं अभिसंकरोति पुण्योपगं होति विज्ञानं। ये अविद्या में जो रहता है, अविद्या में जो है वो, इसका मतलब जो जानकारी कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो पुण्य की संस्कार, पुण्य करेगा तो, पुण्य की संस्कार मतलब पुण्य करेगा तो विज्ञान बन जाता है पुण्य के अनुसार। ऐसे तो हम लोग पुण्य करके प्रार्थना करने का कोई जरूरी नहीं है,
प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। जिसी प्रकार पुण्य करता है उसी प्रकार से विज्ञान बन जाता है। अपुण्यांचे संकारं अभिसंकरोति अपुण्योपगतं होति विज्ञानं। अगर पाप करेगा तो उसी पाप के अनुसार विज्ञान बन जाता है। आनिंजांचे संकारं अभिसंकरोति आनिंजूपगं होति विज्ञानं। अगर ध्यान में मन है तो उसी ध्यान समाधि के अनुसार आनिंज संस्कार बन जाता है, विज्ञान उसी के अनुसार बन जाता है, उसी के अनुसार मिल जाता है। ये विज्ञान जन्म लेकर के आगे बढ़ने वाली लता जैसा है। आप देखिए, हम लोग सोचेंगे एक लता है, हम लोग की लता को लती को आगे बढ़ने के लिए लकड़ी लेकर के मचान बनाता है, लकड़ी से मचान बनाता है लती को जाने के लिए। अब सोचिए, हम लोग लती का दाएं तरफ से मचान बना दिया, मचान बना के लती दाएं तरफ कर दिया, तो क्या होता है, ये लती दाएं तरफ चल जाता है। तो दाएं तरफ ये लती जाने से हम लोग लती को नमन करके बोलता है, हे लती बाएं उत्तर तरफ चल जाओ, उत्तर तरफ चल जाओ। जाएगा ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि मचान बना दिया है, मचान बना दिया है दाएं तरफ में। जिस तरफ मचान बना जाए उस तरफ लती चल जाता है। अगर ये लती बदलना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, मचान बना के उस तरफ लगवा के लती उस तरफ करवाना पड़ता है, इसके बाद लती उस तरफ चल जाती है। अगर हम लोग बताया तो ए लती उस तरफ मत जाओ, इस तरफ चल जाओ, हम लोग का बात मानेगा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरफ मचान बना दिया, जिस तरफ लती घुमा दिया उस तरफ चल जाता है। वैसे ही है, पुण्य किया तो पुण्य का फल ही पुण्य के अनुसार आ जाता है। देखिए, विज्ञान अनात्म है, आत्म नहीं है। अगर पाप किया तो पाप के अनुसार विज्ञान बन जाता है। अगर ध्यान किया तो उसी ध्यान के अनुसार विज्ञान बन जाता है। ये सब अविद्या के अनुसार होता है। अब जो अविद्या है उसे क्या अविद्या के अनुसार संस्कार बना देता है। इसमें भगवान बुद्ध ने बताया, जिस दिन अविद्या नष्ट हो गया तो, अविद्या नष्ट होना मतलब क्या है, दुख और दुख का कारण, दुख का नाश, दुख का नाष्ट करने, दुख नाश करने का आर्यांगिक मार्ग, ये चार आर्य सत्य नहीं जानना अविद्या है। इसके बाद दुख समझ लेता है, दुख का कारण तृष्णा को नष्ट करता है, ये दुख मतलब क्या है, आँख कान नाक जीभ शरीर मन यह छह इंद्रिया का जाना दुख है। दुख समुदय मतलब यह छह इंद्रिया को आसक्त होना, इच्छा होना, तृष्णा होना। ये इच्छा तृष्णा आसक्ति नष्ट हो गया तो सब खत्म, वो सारे दुख से मुक्त होता है, वो दुख को नाश कर लेता है। दुख नाश करने के लिए वो एक रास्ता पे जाता है, वो रास्ता है आर्यष्टांगिक मार्ग। तो इसके बाद वो विद्या को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध ने जो विद्या को प्राप्त किया उनके बारे में बोलता है, वो पुण्याभिसंस्कार नहीं बनाता है, मतलब पुण्य नहीं करता है, विज्ञान नहीं बनता है, और अपुण्याभिसंस्कार पाप भी नहीं करता है, पाप के अनुसार भी विज्ञान नहीं बनता है।
आनंजा विसंकार, वो ध्यान के अनुसार भी उसको विज्ञान नहीं बनता है, क्योंकि वो विद्या प्राप्त किया है। इसमें भगवान बुद्ध ने बताया बहुत सुंदर से विस्तार करके, चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के बाद, विद्या को प्राप्त करने के बाद पुण्य संस्कार भी नहीं करता है, पाप की संस्कार भी नहीं करता है, आनंज संस्कार भी नहीं करता है। संस्कार नहीं कर लिया तो मचान बना दिया तो कोई मतलब नहीं। संस्कार मचान है तो लति विज्ञान है, तो लति भी नहीं मचान भी नहीं। वो दोनों नहीं होने के कारण वो दोनों के अनुसार विज्ञान नहीं बनता है, विज्ञान का कार्य नष्ट होता है। संस्कार नहीं बनने के कारण अनभिसंकारों तो अनभिसंग चेतयन तो संस्कार नहीं बनने के कारण चेतना नहीं बनता है। नच किंचि लोक उपादेति, वो दुनिया में कोई भी चीज पर बंध नहीं होता है। अनुपाद्यां न परितास्यति, कोई भी चीज पे वो बंधन नहीं होने के कारण, कुछ में भी बंधन नहीं होने के कारण वो कोई भी चीज से कुछ से भी डरता नहीं। अपरितस्सं पच्चत्तं एव परिनिब्बायति, कोई भी चीज से नहीं डरने के कारण वो अपने से ही खुद शांत हो गया है। भगवान बुद्ध ने बताया वो सुख का दर्द भोगेगा तो वो भी वो जानता है वो अनित्य है, क्योंकि वेदना पच्चा तन्हा, उसके पास वेदना के कारण तन्हा होता है ना, वो नहीं होता है क्योंकि अविद्या नहीं है। अब जो कुछ दुख वेदना दर्द है तो वो भी जानता है ये भी अनित्य है, बिना दुख सुख दर्द महसूस होता है वो भी जानता है ये भी अनित्य है। इसीलिए वो जो अनित्य है वो स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए वो सुख भी भोगता है लेकिन सुख के साथ रहता नहीं है, दुख भोगता है लेकिन दुख के साथ संगत नहीं है। बिना दुख सुख का भी वो उपेक्षा भोगता है लेकिन बिना दुख सुख का उपेक्षा में वो रहता नहीं। इसका मतलब अरहंत बनते लोग मतलब सुख भोगता है बिना सुख में लगे हुए, क्यों? क्योंकि सब प्राप्त किया है। दुख भोगता है, दुख के साथ रहता नहीं है। इसके बाद उपेक्षा, बिना सुख दुख उपेक्षा भोगता लेकिन उपेक्षा साथ रहता नहीं है, और जानता है ये सारे दर्द महसूस होता है जब तक ये शरीर है तब तक, ये जीवन जब तक है तब तक, ये शरीर नष्ट होने के बाद सारे दर्द वेदना सब नष्ट हो जाता है, सब कुछ यहाँ खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण बताया, एक कुम्हार है, कुम्हार मतलब जो बर्तन बनाने वाले, एक आदमी बर्तन बनाता है, बना के वो जला देता है, जला के वो नीचे बर्तन उतारता है, मिट्टी का बर्तन नीचे उतारने के बाद वो बर्तन गर्म है कि नहीं? गर्म है, लेकिन वो गर्म हमेशा है क्या? गर्म होते होते नहीं। जो कोई गर्म था वो सब वो उतारने के बाद खत्म हो गया, ठंडा हो गया। इसके बाद तो इस्तेमाल करता है सारे काम के लिए,
भगवान बुद्ध ने बताया जो कोई वेदना है, सुख वेदना या सुख वेदना है, वो सुख वेदना वो स्वीकार नहीं करता है। जो कोई दुख वेदना है, दुख वेदना भी वो स्वीकार नहीं करता है। जो जो कोई मध्यस्थ वेदना है बिना सुख दुख का, वो वेदना भी वो स्वीकार नहीं करता है। ऐसे है तो जब तक शरीर है तब तक ये सारे वेदना दर्द महसूस हैं। जब शरीर नष्ट होता है, जीवन नष्ट होता है, उसी समय ये सारे चीज नष्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया अरहंत बनते लोग, अरहंत बनते लोग मतलब सारे दुख से जो मुक्ति प्राप्त किए अरहंत बनते लोग, पुण्य का संस्कार भी नहीं करता है, पाप का संस्कार भी नहीं करता है। मध्यस्थ बिना पुण्य बिना पाप का संस्कार भी नहीं करता है, इसीलिए उसका कारण अरहंत बनते लोगों को नहीं बनता है। ऐसे है तो उसी संस्कार के अनुसार विज्ञान नहीं बनता है। सारे संस्कार नष्ट है तो उसी संस्कार के अनुसार विज्ञान नहीं बनता है। पुण्य के अनुसार संस्कार नहीं बनता है। संपूर्ण रूप से ये संस्कार नहीं है तो विज्ञान नहीं है तो विज्ञान जो विज्ञान के अनुसार है नाम रूप बन जाता है, नहीं बन जाता है। संपूर्ण रूप से नाम रूप नहीं है तो नाम रूप के अनुसार आंख बन जाता है, नहीं। ऐसे है तो अरहंत बनते लोगों को आंख खान नाक जीभ शरीर मन ये सब है बिना संस्कार का कार्य से, मतलब पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं मध्यस्थ आनंद भी नहीं। इसलिए नाम रूप के कारण जो उत्पन्न होता है आंख कान नाक जीभ शरीर मन ये छह इंद्रिया नहीं है। इसी प्रकार छह इंद्रिया संपूर्ण रूप से नहीं होने के कारण वह स्पर्श नहीं उत्पन्न होता है। जहाँ स्पर्श संपूर्ण नहीं होने के कारण वहाँ वेदना नहीं है। जहाँ वेदना संपूर्ण रूप से नहीं होने के कारण वहाँ इच्छा नहीं है तृष्णा। जहाँ इच्छा नहीं होने के कारण वह उपादान बंधन नहीं है। वह उपादान बंधन नहीं होने के कारण वह संपूर्ण रूप से भव नहीं है। संपूर्ण रूप से वह भव नहीं होने के कारण जाति मतलब जन्म नहीं है। जहाँ जन्म नहीं होने के कारण मृत्यु शोक रोना दुख अफसोस चिंता ये कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया और उसी प्रकार एवमेतं भिक्खवे उसी प्रकार ही होता है सद्धाति ये चीज विश्वास करना चाहिए। एवमेतं भिक्खवे इसी प्रकार ही ये होता है अधिमुच्यत विश्वास करिए श्रद्धा से मानिए। निकंखो एत भूत ये कारण के बारे में संदेह नहीं करना है, शक नहीं करिए। निविचिकित्सा शक बिना शक से होना है। एसवंत दुखस उसी प्रकार से दुख नष्ट होता है। आप देखिए भगवान बुद्ध इसी उपदेश में अच्छी तरह से बताया। भगवान बुद्ध की शासन मिलने के बाद हम लोग संसार में यात्रा करते रहता है, उसी यात्रा के लिए भगवान बुद्ध की शासन नहीं मिला है। भगवान बुद्ध की शासन में ही हम लोग को जानकारी मिलता है, हम लोग
बहुत दीर्घ लंबी समय तक जन्म मृत्यु होते 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 आ गया। कितना बार हम लोग नरक में गए होंगे, कई बार हम लोग नरक में प्रेत जन्म जानवर जन्म में कई प्रकार कई बार गए हैं। ये ऐसी बात, इसके लिए एक उदाहरण बता देंगे। अविद्या बिना नष्ट करके हम लोगों का ये सब कुछ हम लोग ऐसे ऐसे होता है समझ नहीं सकता है। अविद्या के बिना नष्ट करके ऐसे है तो हम लोग को ये अविद्या को नष्ट करने के लिए अच्छा जगह पे अभी है। अगर कोई कोई ये सुनेगा, ये पढ़ेगा ये उपदेश, इसके बाद सोचेगा हाँ अच्छी अच्छा बात समझ गहरी बात, ऐसे करके वो छोड़ दिया तो उसका पास बुद्धि है ही नहीं है। ये उपदेश सुन के ये उपदेश को मान के उपदेश की रास्ता पे जाने के लिए हम लोग को चाहिए श्रद्धा, भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा। वो श्रद्धा भी अच्छा से जानकारी का श्रद्धा, ज्ञान की श्रद्धा होना चाहिए, पिक्चर फोटो देख के आने का श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा है तो वो विश्वास करता है ये रास्ता उसको कभी कष्ट तकलीफ नहीं आता है। वो धर्म से अपना जीवन को देखता है, वो समझता है हम भी ऐसा ही जाने वाला संसार में जन्म जन्म में, वो ज्ञान से मनन करता है। एक बार भगवान बुद्ध ने बताया एक उपमा, खेलने वाले घर द्वार तोड़ना जैसा है, ये इच्छा को तोड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया छोटा बच्चे लोग बचपन में बालू लेकर खाना बनाता है, छोटा छोटा झोपड़ी बना के अपना अपना घर जैसा रिश्तेदार परिवार बना के खेलता है छोटा छोटा बच्चा लोग। जब तक उन लोग का मन में तृष्णा है इच्छा है तब तक उन लोग ये खेलते रहता है। इसके बाद उन लोग का इच्छा खत्म हो जाता है खेलने का। खत्म होने का तो इन लोग क्या करता है, बच्चे लोग हाथ से पैर से सब कुछ फोड़ फोड़ के छल जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है, विकील न करोत द्वारा खेलने के लिए खिलौना जैसा मत बनाइए। अब देखिए बच्चे लोग बालू से खेल खाना बनाए, वो बालू रखता नहीं है दूसरे दिन लेने के लिए, अच्छा से झोपड़ी कुटिया वगैरह रखता नहीं दूसरे दिन खेलने के लिए, सब फोड़ तोड़ के आ जाता है फेंक देता है, ऐसे करके चिल्ला के भाग जाता है। वैसे ही है, नहीं बचाना चाहिए इच्छा को। देखिए हम लोग वो उन भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए हैं, उन भगवान बुद्ध के शरण में गए, बुद्ध शरण गच्छामि बोल के। आप देखिए ध्यान से, पुण्य करेगा तो पुण्य के अनुसार विज्ञान बन जाता है, वो किसी को नहीं बदल सकता है। आप पाप किया तो पाप के अनुसार विज्ञान बन जाते, वो भी नहीं बदल सकता है। अगर आनंद कर्म मध्यस्थ में पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं ऐसा कर्म किया तो उसी के अनुसार विज्ञान बन जाता है, किसी को नहीं बदल सकता है। ये कार्य किसी को नहीं बदल सकता है। विद्या को प्राप्त किया तो, चार आर्य सत्य प्राप्त किया तो विज्ञान बनना खत्म हो जाता है। ये संस्कार बन गया तब ना सब कुछ बन जाता है। पुण्य का संस्कार भी नहीं बन गया तो, पाप भी संस्कार भी नहीं बन गया तो, आनंद संस्कार भी नहीं बन गया तो किसी भी प्रकार से विज्ञान नहीं बनता है। देखिए कितना आश्चर्य धर्म है ये।
अब ये सारी बात हम लोगों का अपना कर देखने का बात है, हम लोग का जीवन ही है ये। थोड़ा मुश्किल है, ज्ञान से मनन किया तो समझ सकता है, अगर सोच लिया तो बहुत गहरा है, ऐसे करके छोड़ दिया तो कभी नहीं आपको ये समझ में आएगा। देखिए वो एक बच्चा है, ये बच्चा पढ़ने के लिए जाता है नर्सरी यूकेजी एलकेजी, जाके वो देखता है दसवा क्लास का बच्चों को देखता है, उसी किताब को देखता है, देख के बोलता है माँ हमको स्कूल में नहीं जाना है। देखिए उतना उतना बड़ा बड़ा दसवा क्लास का भैया लोग दीदी लोग पढ़ता है, बाप रे वाह अक्षर हमको कभी नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसे बोलता है छोटा बच्चा लोग। अगर वो बच्चा यूकेजी एलकेजी में अच्छे से पढ़ के आगे गया तो दसवा क्लास में जाने के बाद अच्छी तरह से उसको समझ में आता है। हम लोग को ऐसे हुआ है, हम लोग भी स्कूल नहीं जाने वाले नर्सरी बच्चा यूकेजी का बच्चा जैसा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये भगवान बुद्ध की आर्य धर्म बहुत गहरा है, समझना मुश्किल। क्यों समझना मुश्किल? धीरे धीरे हम लोग शुरू करना चाहे समझने के लिए, तुरंत हम लोग के सब कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना हम लोग का ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एक दो सप्ताह में नहीं बढ़ता है, कई साल चल जाएगा बढ़ने के लिए। अगर ऐसा हम लोग ज्ञान से मनन नहीं किया तो शाम में हम लोग घर जाना जैसा हम लोग मरने के बाद नरक में चल जाएगा। ऐसे तो हुआ इसी संसार में हर एक जन्म में हम लोगों को, हम लोग देखिए मर गया, मरने के बाद हम लोग आंख खोल दिया, खोलने के बाद हम लोग नरक में, इसके बाद हम लोग यमराज के पास ले जाता है, यमराज फिर बताता है तुम ऐसा ऐसा पाप किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा बोलने के बाद इसको अच्छी तरह से याद आता है हम ऐसा ऐसा किया है, ये चीज हमने किया है, अब कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद यमराज बोलता है अब ये सब तुम्हारा दोष हिताशी नहीं किया है, परिवार रिश्तेदार नहीं किया है, कोई और कोई नहीं किया, तुमने किया है खुद, ऐसे करके यमराज चुप हो जाता है। यमदूत लोग उसको मार मार के ले जा करके उसको आग में जला देता है करोड़ों साल तक। लेकिन उसका रिश्तेदार लोग इधर सोचता है, रिश्तेदार लोग से पूछ लिया तो आपका वो मर गया है कहाँ है अभी, सभी लोग ऊपर अंगुली दिखा के बोलता है ऊपर चल गया, अभी देवताओं के पास है, ईश्वर के पास है, ऐसा करके दिखाता है, बेचारा नरक में जा करके आग के बीच में पछताता है। और कोई मर जाता है, मर के आग मरने के बाद आग खोलता है, खोलने के बाद भूत प्रेतों के पास जन्म लेता है, बहुत भूख लगता है, भूख लगने पर खाने के लिए खाना है क्या? खाना नहीं है, जाना मुश्किल, क्योंकि भूत प्रेतों का जीवन वही सही है, कहीं खाना खोज के जाते समय ककार दिखाई देता है, वो ककार को दिखाई देखता है, देख के धीरे धीरे ककार को सूंघता है, वही है उसका खाना। वही संसार हम लोग भी बिता के आए हैं। कभी कभी मरने के बाद आंख खोलता है, खोलने के बाद माँ बिल्ली या कुत्ता या जानवर, कोई जानवर बन जाता है, घर का लसावे सभी लोग बातचीत करता है, हमारा पापा मर गया, माँ मर गई, अभी देवताओं के पास है, लेकिन बेचारा ऐसा जानवर भूत प्रेत नरक ऐसा दुर्गति जन्म पाता है। इसीलिए यह अच्छी तरह से होश में आकर के आप सभी लोग कभी स्वप्ना का दुनिया में मत आइए, हम भविष्य में करेंगे, बाद में करेंगे, हमको आराम जब मिलेगा तब हम करेंगे,
ऐसा करके देर भी नहीं करिए। सबसे अच्छा है जब आपको मौका मिलेगा तब आप मेहनत करके भगवान बुद्ध की आर के रास्ता पे चल जाइए। अनित्य को अनित्य को अनित्य जैसा देख लीजिए, धीरे धीरे आपकी ज्ञान की बुद्धि बढ़ जाएगा। ऐसे हो गया तो हम लोग को ये सारे दुख से मुक्त हो सकता है, उत्तम चार आर्य सत्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को भी जो भगवान बुद्ध ने बताया गया ये उत्तम चार आर्य सत्य प्राप्त करने का भाग्य सबको मिल जाए। साधु साधु साधु।